सभी को छठ और दीपावली की शुभकामनाएं। शुरू करते हैं हम लोग आज का कार्यक्रम। सबसे पहले हमारे परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं उप प्रधानाचार्य महोदया, माननीय सारे शिक्षक वृंद और हमारे प्यारे बच्चे, आज हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं छठ पर्व को मनाने के लिए। हमारा स्कूल बंद होने वाला है और ये रंगारंग कार्यक्रम जो है छठ पर आधारित है और इसको देख करके एक अच्छी सी छवि लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने छुट्टियाँ बिताएंगे। चूँकि कल से दीपावली है और छठ की छुट्टियाँ होने वाली है, अतः आप सभी को फिर से मेरा एक बार दीपावली और छठ की शुभकामनाएं। हम अगर वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं तो हमारी परंपरा दिखती है और हम ढलते हुए सूर्य के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उन्हें पूजते हैं, तो हमारी दर्शन एवं वह विश्वास दिखलाती है जो पश्चिमी दुनिया से बिलग उगते हुए सूर्य को नमस्कार करने में ही अपनी शुभता नहीं मानते, बल्कि हम अस्ताचल सूर्य को भी मानते हैं और उन्हें भी पूजते हैं, क्योंकि सूर्य एक देवता है और दिशा बदल जाने से देवता का महत्व कम नहीं होता। अतः हम पूरे भारतवासी, जो एक ये पर्व क्षेत्रीय न होकर ग्लोबल हो गया है, हम जहाँ भी जाते हैं दुनिया में अपनी परंपराओं को लेकर जाते हैं। अब तो यह पूरे विश्व में होने लगी है। कार्तिक माह की छठी तिथि को हम लगभग 30 करोड़ देशवासी अस्ताचलगामी सूर्य के प्रति नमो नमः करते हुए नतमस्तक होते हैं। बच्चों से मेरा आग्रह है कि वो ध्यान से सुने। उन्होंने छठ मनाया जरूर होगा, परंतु छठ की कहानी क्या है वो शायद उन्हें पता नहीं होगी। तो एक संक्षिप्त सी कहानी है बच्चों की जानकारी के लिए, क्योंकि यह विद्यालय है और यहाँ सीखना और सिखाना परंपरा रहती है। तो बच्चों से मेरा आग्रह है कि वह भी सुने, तभी इस महान जो पर्व है उसमें शामिल होने का अपना अर्थ साबित होता है। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी ने पुत्रेष्टि यज्ञ महर्षि कश्यप से कराया। उन्हें खाने के लिए खीर दिए गए और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन उस पुत्र में जीवन नहीं था। तो सृष्टि के छठे भाग की स्वामिनी छठी देवी प्रकट हुई और उन्होंने अपने स्नेहमय स्पर्श से उस बालक को जीवित कर दिया। कालांतर में माता सीता और द्रौपदी की भी छठ करने की कथा हम सुनते हैं और यहीं से हमारी माएँ अपने पुत्रों की रक्षा, अपने घर की भलाई और जन कल्याण के लिए छठ करती हैं। तो शुरू करते हैं हम। छठ त्योहार ने हमारे लिए परंपरा और भावनाओं का सैलाब है। छठ त्योहार ने हमारे लिए परंपराओं एवं भावनाओं का सैलाब है और आपके सामने शुरू हो जा रहा है हमारा यह बहुत ही भावनात्मक प्रस्तुति। हेलो हेलो। हाँ बेटा। पिताजी प्रणाम। हाँ बेटा, खुश रहो। छठ पूजा में कब आ रहे हो? इस बार आना तो मुश्किल हो गया है पिताजी। क्यों? टिकट नहीं मिल पाया। अच्छा, तो कब आ रहे हो वैसे? इस बार नहीं आ पाऊंगा पिताजी। ठीक है, लो अपनी माँ से बात करो। दीजिए। हेलो। हाँ माँ प्रणाम। खुश रहो बेटा, 10 दिन की छुट्टियाँ ले लेना। सब आ गए हैं और चाचा चाची भी आ गए हैं। इस बार आना तो मुश्किल लग रहा है माँ, इस बार छठौती चल रहा है। लेकिन अगर तुम ही नहीं होगे, तुम्हारे लिए छठ करती हूँ मैं, और तुम ही नहीं होगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं आने का प्रयास करूँगा माँ, लेकिन वचन नहीं दे पाऊंगा कि मैं जरूर आऊंगा। कोशिश करना बेटा, छठ हमारा महान पर्व है। तुम
होते तो अच्छा लगता, गांव के तुम्हारे सभी दोस्त आए हैं। ठीक है मैम, मैं प्रयास करूंगा। आशा करूंगी कि तुम आओगे। ठीक है, प्रणाम। मिलने का ख्वाब है। छठ नदी है, तालाब है, पोखर है, दरिया है, हमारी तरह लाखों लोगों के लिए घर जाने का एक जरिया है। छठ त्योहार नहीं, हमारे लिए परंपरा एवं भावनाओं का सैलाब है। छठ ठेकुआ है, पकवान है, नारियल है, डामा है, छठ सूप में सजे सिंदूर एवं दीप की आभा है। छठ त्योहार नहीं, हमारे लिए परंपरा एवं भावनाओं का सैलाब है। पुत्र जो ना आने की बात कहता है, लेकिन उसके मन में भी ये भावनाएं उमड़ते हैं। गाँव के घर तू है
कद्दू चावल बनते हैं, शुद्धता और पवित्रता का ध्यान देते हैं और शुरू होता है त्योहार का पहला दिन। आया छठ पूजा का त्योहार, मन हर्षित हुआ अपार, हर तरफ छाई है बहार, खुश हुआ सारा संसार। आया छठ का त्योहार, सारे लोग जो भी छठ व्रती हैं और घर के जितने भी बालक बालिकाएं परिवार जन सब कोई घर की सफाई करके पूरा एकदम शुद्धता का ध्यान रखते हैं। ऐसी कोई भी वस्तु हम उस दिन यूज नहीं करते हैं, उपयोग में नहीं लाते हैं जो कि जिसका बायोडिग्रेडेबल ना हो, अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो, ऐसा कुछ भी कृत्रिम चीज नहीं लेकर आते हैं। तो यहाँ हम शुरू होता है हमारा छठ का नहाए खाए। हाँ ठीक है, तो खींचो।
Yeah.
बेटा घर आ गया है, बेटा सारी बाधाओं को तोड़ते हुए माँ के विश्वास को कायम रखते हुए इस महान छठ पर्व में आ गया है। हमारी भावनाओं का ये हाल रहता है कि हम कहाँ देखते हैं मुश्किल, लाख मुश्किल आए हमें, हम कहाँ देखते हैं मुश्किल, विपरीत परिस्थितियों में भी हम काम कर लेते हैं, सूटकेस मिले ना मिले, हम कपड़े की पोटली में भी सामान भर लेते हैं, हम कहाँ देखते हैं मान अपमान, हम सब सहन कर लेते हैं, जगह मिले ना मिले, भरी ट्रेन में खड़े होकर ही हम सफर कर लेते हैं, लेकिन हम छठ में आते हैं जरूर। अरे हमारे संकल्प का तो ये हाल है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी ट्रेन को अधिक से अधिक संख्या में चलाने के लिए बेहाल है। हमारे अपना जो महत्वपूर्ण है हम कितने ये इस पर्व से दिखता है, हर शहर में जहां हम जाते हैं कमाने खाने रोटी के लिए, वहां भी उस समय पूरा शहर लगता है खाली से हो जाते हैं, ठेले वाले भैया नहीं मिलते, फल वाले भैया नहीं मिलते, ऑटो वाले भैया नहीं मिलते, सारे कुछ हो जाते हैं।
पूर्वांचल के लड़के ने कहा, माँ जोहत हुई है राह हमार, माँ जोहत हुई है राह हमार, हमार गए जरूरी बा, टिकट मिलत नहीं है ट्रेन में भैयाई, बड़ी मजबूरी बा, कि जाके अगर आई यहाँ तो आई जरूर, और आके आपन यहाँ के छठ पूजा के बारे में हम बताई जरूर, कि 9 से 5 के ड्यूटी करत करत मन उब गई बा, माँ से कई वादा निभाए के पड़ी, एक अरसा बीत गई बा, माँ के चेहरा देख ले, एह बेरी घर पर छठ में जाई जरूर। ये मन की भावनाओं का वो उमड़ घुमड़ के जो आता सैलाब है वो इस पूजा में एकदम देखने को मिलता है। हम चाहे किसी तरह से रहें, हमारे पास पैसे हो न हो, ये हाल है इस जगह का कि हम कर्ज लेकर भी करते हैं, हम भीख मांग कर भी करते हैं, छठ पूजा का यही हाल है। हम उस सूर्य भगवान का पूजा करते हैं जिसकी वजह से सारी सृष्टि और ब्रह्मांड है, हमारा पूरा सोलर सिस्टम है। हम कहते हैं कि हमने नंगे आंखों से भगवान को नहीं देखा है, अरे देखा तो है, प्रतिदिन देखते हैं आसमान में उगे हुए उस भगवान को, जिनके एक क्षण के ना होने से भी हमारे ऊपर क्या आफत आ जाएगी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम देखते हैं उस छठी मैया को कि वो सृष्टि है, वो जमीन है, और उसी पर हम खड़े हैं, वरना हमारा धरातल कहाँ है। हम तो बस यूं हुए व्योम में घूमते हुए उस पिंड की तरह हो जाते जिसका ना कोई अता होता ना कोई पता होता। तो ये सृष्टि है, ये छठी मैया का ही है प्रताप। अब आप लोगों के सामने हमारे बच्चों ने जो स्वयं के स्वर में छठ के गीत की तैयारी की है वो प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
संस्कृति। सारे बच्चे एक साथ बहुत लय से गाए, बहुत मन से गाए। मेरा छठ व्रती बच्चों से ये आग्रह है कि चूंकि हमारे सूप में दिया जल रहा है तो अतः सूप नहीं उठाएंगे, आप अपना लोटा से ही। अपने कर्म पर ध्यान देते हैं और मन में ये संकल्प करते हैं कि जैसे सूर्य भगवान हमेशा बिना रुके अपना कार्य करते रहते हैं, वैसे हमें भी जब तक हमारा जीवन है अपने कार्य को हम करते रहेंगे। उस प्रण का जिस प्रण में सबकी भलाई है, वसुधैव कुटुंबकम है, जिसमें सबका सफल हो, सभी सफल हो, सबका जीवन सही हो, सभी स्वस्थ रहे, इस मनोकामना से हम ये काम करते हैं।
गलती